वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग को डेवलप कैसे करते हैं और उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रेजेंट करने का प्रोसेस एक्चुअली बोरिंग है तो वो मैं नहीं बताऊँगा, बट डेवलप कैसे करते हैं आइए हम वो देखते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं मेन वीडियो के कंटेंट में। ग्यारह स्टेप्स होने वाले हैं। तो नंबर वन अपना है क्लाइंट प्रोफाइलिंग। तो देखो, कभी भी जैसे मैंने बताया था, क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का मतलब एज़ वी डिस्कस्ड, क्लाइंट को पटाना नहीं है, उसका लाइफस्टाइल, एक्टिविटी, एज, ऑक्यूपेशन, रिस्क टॉलरेंस, पर्पस ऑफ अप्रोचिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों चाहिए, उसका कम्फर्ट क्या है, उसका हेल्थ कैसा है, उसका नॉलेज और एटीट्यूड कैसा है, वो सब चीज़ों को अपने को जानना है और नोट डाउन करना है। तो नंबर वन इज़ क्लाइंट प्रोफाइलिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मान लीजिए कि आपने क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल प्लान बना दिया, ठीक है, और अपने को पता ही नहीं है कि उसको कैंसर है थर्ड स्टेज, जो दो चार साल ज़्यादा हो गया, एक आधे साल में मरने वाला है, तो काहे को बना रहे हो, उसको अलग टाइप का बनाना है। तो हेल्थ कंडीशन भी जानना ज़रूरी है, उसका रिस्क एपिटाइट क्या है वो जानना ज़रूरी है। नहीं तो पता चला कि बीपी का पेशेंट है, उसको डाल दिया हम लोगों ने स्मॉल कैप फंड में, बंदे का मेडिक्लेम है लेकिन हार्ट अटैक आके मर गया। तो फन अपार्ट, क्लाइंट प्रोफाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है फ्रीजिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो उनके गोल्स को सभी को नोट करना है और प्रायोरिटाइज़ करना है, क्या शॉर्ट टर्म कौन से हैं, मीडियम टर्म कौन से हैं और लॉन्ग टर्म कौन से हैं, तीनों को प्रायोरिटाइज़ कर लीजिए। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो आइडेंटिफाइंग द गैप बिटवीन करंट सिचुएशन एंड द गोल्स। अब फंडा ऐसा है कि अभी उसका जो करंट सिचुएशन है और उसके गोल्स के बीच में है, अपने को कैलकुलेशन करना है कि चलो ये वाला रीच हो सकता है, ये रीच हो सकता है, वो रीच हो सकता है, ये रीच नहीं हो पाएगा, तो वो सब चीज़ों का कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है बजटिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जैसे क्या होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा क्लाइंट नाराज़ हो जाता है, जैसे उसकी सैलरी है 30,000 रुपीज़ और वो प्लान कर रहा है क्या 4 BHK का फ्लैट लेना है 2 साल के बाद, तो उसे पता चलता है कि अच्छा मार्केट में साल भर में पैसा डबल नहीं हो रहा, तो बेचारे का दिल टूट जाता है। तो बजटिंग करने के बाद में उसको बताना है क्या जिस हिसाब से आपने गोल्स डिसाइड किए हैं, गोल्स शुड बी स्मार्ट। उसके लिए हमने एक शॉर्ट्स वीडियो बना कर डाली हुई है, आप देख सकते हैं स्मार्ट का मीनिंग क्या है। तो जो रीच हो पाएंगे वो उसको बताना है, जो रीच नहीं हो पाएंगे उसको अपने को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड बजटिंग। और फिर उसके बाद में हम प्रेजेंट करेंगे। आगे हम देखेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट इन द सेंस उसका टर्म इंश्योरेंस प्रॉपर करना होगा, अगर बीच में मेडिकल इमरजेंसी नीड आ गई तो इमरजेंसी फंडिंग भी रखनी पड़ेगी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, तो दैट इज़ ऑल कम इनटू रिस्क मैनेजमेंट वाला टॉपिक। तो ये सारी चीज़ें भी अपने को रेडी करनी पड़ेगी। ये मैं थोड़ा फटाफट ले रहा हूँ बिकॉज इन डिटेल जाके मतलब नहीं है, आगे तो हम डिटेल में जाने ही वाले हैं, जस्ट आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में भी अगर आप देखोगे तो प्रॉपर फंड्स डिसाइड करने हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस करना है, कौन सा रखना है, निकालना है, असेट एलोकेशन देखना है, सब पैसा इक्विटी में ही तो नहीं है, सब पैसा डेट में ही तो नहीं है, अलग अलग असेट्स में है, डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी हैं। तो पहले हम देखें रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट पे आ गए, इन्वेस्टमेंट के बाद अभी रिटायरमेंट पे आ गए। तो पहले इंश्योरेंस पहला देखना है, फिर इन्वेस्टमेंट देखना है, उसके बाद में हम देखेंगे रिस्क मैनेज रिटायरमेंट की प्लानिंग। इसमें अपने को देखो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं बिकॉज क्लाइंट 40 का है, 20 साल के बाद रिटायरमेंट लेने वाला है, तो लॉन्गिविटी रिस्क का रिस्क है। मतलब क्लाइंट अगर बोलता है 70 तक का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 80 तक जीत गया तो क्या करेंगे, उसका देखना है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। असेट एलोकेशन का रिस्क है बिकॉज अलग अलग असेट क्लास अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, उसको ध्यान देना पड़ता है, टाइम टाइम एनालिसिस करना पड़ता है। गवर्नमेंट के रेगुलेशन, मेडिकल एक्सपेंसिस किस तरीके से बढ़ रहा है, क्लाइंट कभी एक्सेसिव विड्रॉवल कर लेता है, तो ये सारे चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इतना ईजी टास्क नहीं है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। आफ्टर दैट टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है। ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि क्लाइंट इनकम ले रहा है तो उसको प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके देनी पड़ेगी, तो जो स्लैब में बैठ रहा है उस तरीके से। ये नीचे रेट्स दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है, आगे डिटेल में समझ जाएंगे। उसके बाद हम इस्टेट प्लानिंग भी करते हैं। इतना सब होने के बाद में क्लाइंट अगर बीच में ही टपक गया तो वॉट ही वॉन्ट्स,
उसको विल बनाना है, क्या एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना है, नॉमिनी किसे रखना है, तो दैट ऑल कम इनटू इस्टेट प्लानिंग का पार्ट। तो इस्टेट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन लास्ट में होता है। नहीं तो पता चला हम इस्टेट प्लानिंग कर दिया, क्लाइंट के पास में पैसे के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू बचा। तो पहले सब कर लेना है, देन इस्टेट प्लानिंग करना है। आफ्टर दैट अभी हम अगर कैलकुलेट करेंगे, इस्टेट प्लानिंग हो गया तो ओवरऑल अपना सारा टॉपिक खत्म हो जाता है। आफ्टर दैट सब रेडी होने के बाद में क्लाइंट के सामने हम प्लान को प्रेजेंट करेंगे, फिर क्लाइंट बॉम्ब डालेगा कि हाँ उसको उसके थ्रू जाना है या नहीं जाना है, या फिर मेहनत बर्बाद। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ में। अभी अगली वीडियो थोड़ी इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना क्या ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच में ये इकोनॉमी कहाँ से लाए। अभी वो वीडियो डालना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आपका बेस क्लियर होगा तो आगे के वीडियोज़ आपको समझ में आएंगे। तो अभी हम देखेंगे इकोनॉमिक साइकिल किस तरीके से वर्क करता है इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फाल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।